Hello students, welcome to basic English class. In this video we shall discuss about the exercise of the third chapter. ये part 2 है. Part 1 मैं already upload कर चुकी हूँ और उसका link मैं description box में दे दूँगी आपको, और उसको आप लोग एक बार check कर लीजिएगा, ठीक है. तो let's start. Fill in the blanks with the noun form of the words given in brackets. इसमें आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिया हुआ है और उसका नाउन फॉर्म का यूज करके आपको ये फिलअप्स करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू शो डैश टू एनिमल्स. इसमें काइंड दिया हुआ है तो काइंड का नाउन फॉर्म हो जाएगा काइंडनेस, काइंड का काइंडनेस हो जाएगा. सी हैज़ गिवन मी एंड डैश टू डिनर. इन्वाइट दिया हुआ है तो इन्वाइट का नाउन फॉर्म हो जाता है इन्वाइटेशन. क्या हो जाता है? इन्वाइटेशन. क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज नो डैश इन माई ऑफिस एट प्रेजेंट. वैकेंट है, वैकेंट का क्या बन जाएगा? वैकेंसी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, आई ऑलवेज रिमेंबर द डेज ऑफ माई डैश. चाइल्ड दिया हुआ है तो चाइल्ड का बन जाता है चाइल्डहुड. क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ही गिफ्टेड हर ए टेडी बियर शी वॉज फुल ऑफ डैश. हैप्पी दिया हुआ है तो हैप्पी का नाउन फॉर्म बन जाता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑलवेज टेल द डैश. ट्रू है तो उसका बन जाता है ट्रूथ. ट्रू का क्या बन जाएगा? ट्रूथ. क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर गेव डैश टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क. पनिश दिया हुआ है तो पनिश का बन जाता है पनिशमेंट. पनिश का क्या बन जाएगा? पनिशमेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 है, गुड स्टूडेंट्स शो डैश टू देयर पेरेंट्स. ओबे दिया हुआ है तो आपका बन जाता है ओबेडियंस. ओके. क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्ट दिया हुआ है तो लिखना है आपको ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्ट का ऑनेस्टी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज नेवर अप्रिसिएटेड इन द बिगिनिंग. तो गुड दिया हुआ है तो गुड का क्या बन जाएगा? गुडनेस, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई है, एड एस और ई एस इन द ब्लैंक स्पेसेस इफ़ नेसेसरी. पुट ए क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आपको ये नाउन के पास में ये डैश दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है? एस या ई एस लगाना है. अगर नेसेसरी है तो एस या ई एस लगा सकते हैं, अगर ये नेसेसरी नहीं होगा तो आप लोग इसमें सिंपली कट कर देंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द ड्राइंग रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर. इसमें फर्नीचर के पास डैश दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिसमें कि हम लोग एस नहीं लगाते हैं, स्पेशली अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता है. जैसे सपोज मैं बोलूँगी वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसमें वाटर्स हम लोग जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वाटर का वाटर्स नहीं लिखते हैं, तो वैसे ही ये फर्नीचर भी है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर एस का यूज नहीं होता है. तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली कट कर देना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टूडेंट. यहाँ पर स्टूडेंट के पास फिलअप है तो डैश है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट और काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट को, इसलिए हम लोग यहाँ पर एस लगा देंगे. ऐसे को भी काउंट कर सकते हैं तो एस लगा देंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस नॉट अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर कट करना है और एजुकेशन में भी कट करना है. काउंट द पेज. पेज के पास डैश है इन द न्यूज़पेपर, पेज को गिना जा सकता है तो इसलिए यहाँ पर एस लगेगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, ही मेड ए लॉट ऑफ मनी डैश इन बिजनेस. मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए यहाँ पर क्रॉस आएगा. क्वेश्चन नंबर 5, द फार्मर डैश कल्टिवेटेड देअर लैंड डैश. फार्मर काउंटेबल है तो एस, लैंड काउंटेबल है तो एस. ओके. क्वेश्चन नंबर एफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग है. यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है आपको और कॉलम ए कॉलम भी करके दिया हुआ है तो उसमें आपको मैचिंग करना है. एक्चुअली ये अपोजिट वर्ड है, जैसे लव का अपोजिट क्या बन जाएगा? हैट्रेड, ठीक है. मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दे रही हूँ, लव का हैट्रेड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 2 में है ट्रूथ. ट्रूथ का अपोजिट क्या बन जाएगा? ट्रूथ का अपोजिट यहाँ पर दिया हुआ है फॉल्सहुड, ठीक है. यह है 2 हो जाएगा. पोलाइटनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? पोलाइटनेस का अपोजिट हो जाएगा आपका डिस्कॉर्टसी. ओके. ब्यूटी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 नंबर अग्लीनेस. प्राइड का हो जाएगा ह्यूमिलिटी. प्राइड का 5 है ना, 5.
और इसमें सिक्स में दिया हुआ है रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का हो जाएगा एक्सेप्टेंस। ओके, सेवन में है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी सेवन। क्वेश्चन एट है बर्थ, बर्थ का अपोजिट हो जाएगा डेथ, तो यहाँ पर एट डाल देंगे। नाइन में है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का अनहैप्पीनेस, यहाँ पर नाइन, सॉरी यहाँ पर नाइन आ जाएगा। और टेन में है डिपार्चर, डिपार्चर में यहाँ पर अराइवल में टेन आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मूव टू द जी नंबर क्वेश्चन। रीअरेंज द लेटर्स इन ब्रैकेट्स टू मेक कलेक्टिव नाउन्स एंड यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिया हुआ है, उसको आपको रीअरेंज करके इसमें फिल करना है, और ये कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे मैनी पीपल फॉर्म द डैश रश्ड टू हेल्प द मैन एज ही फेल ऑफ हिज बाईसाइकिल, यहाँ पर क्या बन जाएगा क्राउड। ठीक है, सेकेंड में है रोनिका वाज लुकिंग फॉर हर डैश ऑफ कीज, डैश ऑफ की होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पर बंच ऑफ कीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन थ्री है द टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी हैज ए डैश ऑफ कार्स, यहाँ पर हो जाएगा फ्लीट ऑफ कार्स। आई वुड प्रीफियर टू गिव ए फ्लावर पॉट देन ए डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ बॉकेट ऑफ फ्लावर होता है। ओके, क्वेश्चन फाइव द डैश ऑफ माउंटेन्स वाज कवर्ड विथ स्नो, यहाँ पर रेंज ऑफ माउंटेन आ जाएगा। सिक्स में है द मंकीज इन ए डैश ऑफ ट्रीज बिगेन चैटरिंग व्हेन दे हर्ड द लायंस रोर, यहाँ पर आ जाएगा क्लम्प, क्लम्प ऑफ ट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन एवरी नाइट ए डैश ऑफ म्यूजिशियन प्लेज एट द रेस्टोरेंट, यहाँ पर बैंड ऑफ म्यूजिशियन क्या हो जाएगा बैंड ऑफ म्यूजिशियन। क्वेश्चन नंबर एट है ए डैश ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग साउथ, यहाँ पर आ जाएगा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए डैश ऑफ उल्फ्स वाज हाउलिंग इन द फॉरेस्ट लास्ट नाइट, यहाँ पर आ जाएगा पैक ऑफ उल्फ्स। ए डैश ऑफ लॉक्स्ट स्पॉइल्ड द क्रॉप ऑन द फार्म लास्ट समर, यहाँ पर स्वार्म ऑफ लॉक्स हो जाएगा, एस डब्ल्यू ए आर एम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ गिवन नाउन्स, यूज ईच नाउन ओनली वन टाइम, इसमें आप लोगों को फिलअप्स दिया हुआ है, इसमें से छांट के आप लोगों को लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है आई डोंट हैव मच डैश जस्ट टू स्मॉल बैग्स, क्वेश्चन नंबर वन में है आई डोंट हैव मच डैश जस्ट टू स्मॉल बैग्स, मेरे पास उतना भी क्या नहीं है लॉगेज नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा लॉगेज एल यू डबल जी ए जी ई। दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वांट टू नो, दे आर गोइंग टू गिव यू ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री देयर इज रूम फॉर एवरीबॉडी टू सीट डाउन, देयर आर ए लॉट ऑफ डैश, यहाँ पर हो जाएगा चेयर। वी हैव नो डैश नॉट इवन ए बेड और ए टेबल, यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर। ओके, क्वेश्चन फाइव व्हाट डज एलन लुक लाइक, ही हैज़ गॉट ए लॉन्ग बियर्ड एंड ए वेरी शॉर्ट हेयर। कार्लाज इंग्लिश इज वेरी बैड, सी मस्ट मेक प्रोग्रेस, यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोग्रेस। ओके, क्वेश्चन सेवन जॉर्ज इज अनएम्प्लॉयड, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। क्वेश्चन एट इफ यू वॉन्ट टू लीव वर्क ईयरली यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन। क्वेश्चन नाइन आई डोंट थिंक एन विल गेट द जॉब, सी हैज नॉट गॉट एनफ एक्सपीरियंस। टेन शेक्सपियर्स डैश आर वंडरफुल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखेंगे कि ये जितने भी नाउन है ये सब है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसमें हम लोग
एस का यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।